स्पार्क मिंडा के जो श्रमिक आंदोलनरत हुए हैं, इनका कहना ये है कि साहब हम अपना एक श्रमिक संगठन बना रहे थे और इस बात को लेकर के ये मैनेजमेंट ने अच्छा नहीं लगा और वो हमारे कतिपय श्रमिकों के विरुद्ध इन्होंने एक तरफा निलंबन की, डिस्चार्ज की, इस तरह की कार्रवाई की है। तो इसके समर्थन में कुछ अन्य जो स्पार्क मिंडा के मजदूर है वो भी इनके समर्थन में बाहर आ गए। कितने लोगों को निकाल दिया इसमें? 11 श्रमिक तो डिस्चार्ज हैं और 7 को फुल एंड फाइनल करके रिजाइन लेके गए हैं। इनका कहना यह है कि डिजाइन में दबाव पर आपसे नहीं, जब आपसे पूछा आप अपना वक्तव्य दे दीजिए ना, है ना। तो इस तरह के अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है कि 200 लोग या 150 लोगों के आसपास बाहर हैं, 200 लोग बाहर हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है? अभी 200 लोग की तो स्थिति नहीं थी। मैं नहीं ये समझता कि शायद आपके यहाँ परमानेंट कितने हैं, कुछ शायद ट्रेनीज या इस तरह के भी लोग आए हैं। तो देखिए ट्रेनीज और वो तो रेगुलर कर्मचारी के संगठन का, और उसका भी कोई मतलब नहीं होता ना। जो ट्रेनीज है उस तरह के, वो तो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन होता है, तो उसका तो अलग विषय है। लेकिन हमारा जो विषय है, मेन विषय है, वो जो फैक्ट्री वर्कर्स है, जो श्रमिक यूनियन या वो है, वो हमारा विषय ये है। तो उसमें लगभग मेरे समझ से 51 लोग समर्थन में बाहर आए हैं, बाकी 11 डिस्चार्ज हुए हैं और 7 श्रमिक को जो फुल एंड फाइनल करके जैसी बात बता रहे हैं, ये इस तरह से किया है। तो फिर कुल मिला के जो भी समस्याएं हैं यहाँ पे, ये आंदोलनरत है हमारे सहायक श्रमिक स्तर पे विभिन्न दौर की वार्ताएं हुई है, तो वार्ताओं में कोई हल नहीं मिल पाया। मैनेजमेंट का कहना ये था कि अभी हमारा जैसा ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है, एक काफ़ी लंबे समय से कुछ इस तरह के मामले थे जिसके आधार पर हमने एक तरफा कार्रवाई की है। तो इन अच्छा मजदूरों का जो कहना है कि ALC या DLC या जो लेबर कमिश्नर या लेबर ऑफिस है जी, वो अधिकारी हैं, वो मैनेजमेंट की ही बातों को कहते हैं कि मान जाइए। ये साहब हर पक्ष यही कहता है, ऐसा नहीं है। आज के पारदर्शिता के दौर में ऐसा कभी हो सकता? आज तो सब व्यवस्थाएं ट्रांसपेरेंट हैं। हमने भी कोई काम करना है तो साहब जो कानूनी प्रावधान है उसी के तहत करना है। और सीधी सी बात, जो श्रम विभाग का वर्तमान में रोल है, सुलह समझौते के आधार पर लीगल पैरामीटर जो हमारा बना हुआ है, क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, उनको देखते हुए बियॉन्ड द कोर्ट हमारे प्रयास होता है। लेबर ऑफिस ने कभी इंटरार किया स्पार्क मिंडा में चेकिंग की कि मिनिमम वेज मिलता है नहीं मिलता है? मिनिमम में कोई इश्यू नहीं है, मिनिमम वेज से अबव है सब। अच्छा। ये जी हाँ, आज के तारीख में यहाँ मिनिमम वेज का हो सकता है, संभावना से इनकार नहीं किया सकता, लेकिन मिनिमम वेज का कोई मामला नहीं है। उत्तराखंड में मिनिमम वेज कितनी है? 7-8 हज़ार अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग है। नहीं, फिर भी एक मिनिमम वेज तो होगा जी। सरकारी हाँ, 7064 है, 6400 रुपये। हाँ जी, 6400 रुपये मिनिमम वेज। नहीं, 7400 जी, 7400 रुपये जी, उत्तराखंड सरकार की तरफ। जी जी जी, अलग अलग कैटेगरी अलग अलग है, वो देखते हैं जिसकी जैसी शिकायत आती है। लेकिन इस समय वो शिकायत को क्या उम्मीद है, ये मसला हल हो जाएगा दीपावली? बिल्कुल साहब, हम तो आश्वासित रहते हैं, हमेशा रहना भी चाहिए विभागीय अधिकारी के नाते, हमारा तो हमेशा निरंतर प्रयास है, निराशा तो हम होते हैं नहीं। हम तो ये भी देखते हैं मैनेजमेंट अगर आक्रामक या डिफरेंट, उसमें हमने कोशिश करते हैं विभिन्न दौर की वार्ता के बाद कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं कि हम सफल होते जाते हैं। शुरुआती दौर में दोनों पक्ष अग्रेसिव रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वार्ताओं का दौर चलता है, और चूँकि वार्ता का विषय हमारा कानूनी होता है, सब आते हैं। अच्छा, तो क्या लेबर ऑफिस का ये कभी इसने ये बात की कि जबकि स्पार्क मिंडा में तकरीबन 400-500 या 600 लोग काम कर रहे हैं जी, ज़्यादा ही, तो उसमें यूनियन क्यों नहीं थी, आप लोग इसकी जान? ये साहब ये विषय हमारा नहीं है। अच्छा। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, हम ना तो किसी को परामर्श देते हैं ना किसी को रोकते हैं। हमारी भूमिका तो सिर्फ अगर यूनियन बनाने के मसले पर कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है जी, और यूनियन बनने नहीं देती है जी, मैनेजमेंट, तो लेबर ऑफिस का क्या अधिकार क्या है, माने हम क्या उसका? हाँ, जहाँ विवाद होता है हम विवाद को संदर्भित करते हैं लेबर कोड के, फाइनल ऑर्डर की पावर हमें नहीं होती है। विवाद का जो बिंदु है, दोनों पक्ष क्या क्या कह रहे हैं, उन विवाद को विवाद के बिंदु बना करके और लेबर कोड को रिफर किया जाता है, वहाँ से फाइनल डिसीजन जैसा आता है। अगर मान लीजिए ये बिल्कुल डिफरेंट है कि अगर कोई मैनेजमेंट अगर यूनियन नहीं बनने दे रही है, तो क्या पनिशमेंट है मैनेजमेंट को? देखिए साहब, कौन क्या कर रहा है
एक पक्ष के कहने से नहीं होता है। नहीं, मान लीजिए हत्या पे 302 लगता है। नहीं साहब, तो ऐसा है, हम कह रहे हैं ना मैनेजमेंट की एक तरफा कहने से कोई कार्रवाई होती है, ना मजदूर पक्ष के एक तरफा कहने से। अच्छा। हम तो दोनों विषय के विवाद ही तो वही है साहब, कि ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, और इनके पास ये जो साक्ष्य ला रहे हैं ये है साहब।